नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारत में गदर 2 मूवी रिलीज होते ही जहां दर्शकों में खुशी की लहर है, तो वही टॉकीज में भी गदर का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला कानपुर में देखने को मिला, जहां किदवई नगर थाना क्षेत्र के साउथ एक्स मॉल में बाउंसर्स द्वारा फिल्म देखने आए दर्शकों की जमकर पिटाई की गई और परिसर से बाहर निकाल दिया गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं घायल दर्शकों के परिजनों ने पुलिस अधिकारी कमिश्नरेट से पूरे मामले की शिकायत कर आरोपी बाउंसर्स के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं स्नातक MLC अरुण पाठक ने भी मामले में प्रबंधकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच किए जाने की मांग की है। पुलिस अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है, जबकि पीड़ित का दर्शकों का कहना था कि टॉकीज में एसी खराब हो जाने की शिकायत जब मैनेजर से की गई तो मैनेजर के साथ बाउंसर्स ने उनके साथ हाथापाई हो गई और हाथापाई मारपीट में बदल गई, जिसमें कई दर्शक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मूवी देखने के दौरान मारपीट का मामला है, जिसमें बाउंसर द्वारा जो लोग मूवी देखने गए थे उनको बुरी तरह से मारा गया है। क्या पूरा मामला है? कुछ लोग अभी हमारे कार्यालय में आए थे, उन्होंने अपना आवेदन भी दिया है और साउथ एक्स मॉल में कल जो घटना घटी है उसके वीडियो फुटेजेज भी सामाजिक माध्यमों में वायरल हैं, हमने भी संग्रहित किए हैं। वहाँ पे जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनके फीड्स भी लिए जा रहे हैं और जो CCTV कैमरे वहाँ पे हैं उनके फीड्स में जो कुछ भी दिखाई देगा जो घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज की गई है। कानपुर में एक नाबालिग छात्रा ने अपने ट्यूशन टीचर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। छात्रा के परिजनों ने आरोपी टीचर की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी टीचर को हिरासत में लिया है। मामला कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में मौलाना आमिर 2 नाबालिग बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाता था। पढ़ाने के बहाने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर उनसे वैसा ही करने का दबाव बनाता था। डर के मारे छात्रा अपने परिजनों से इस बात को छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन ट्यूशन टीचर की हरकतें जब ज्यादा बढ़ने लगी तो छात्रा ने अपने परिजनों को इसके शिकायत की, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसको हिरासत में लिया है। पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू हो चुकी है। संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना था कि ट्यूशन टीचर द्वारा नाबालिग बच्ची के मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाने का मामला प्रकाश में आया, मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मोबाइल फोन को भी रिकवर किया जा रहा है, जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सके। चमनगंज थाना क्षेत्र में एक FIR आई है, जिसमें 9 साल की बच्ची को मोबाइल हैंडसेट में अश्लील पिक्चर्स दिखाए जाने की बात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बच्ची की मां के द्वारा दी गई है। पिछले कई सालों से पड़ोसी द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे युवक ने कल्याणपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर धरना दिया और न्याय दिलाए जाने की मांग की है। पीड़ित युवक द्वारा मुख्य गेट पर धरना दिए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उसे वहां से उठाकर पुलिस के आला अधिकारियों से मिलवाए। अफसरों ने इस मामले की जांच के निर्देश देने के साथ ही युवक को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा है। कल्याणपुर क्षेत्र के रहने वाले अजय वाल्मीकि ने बताया कि वो इंदिरा नगर कॉलोनी में रहता है और राजगिरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाले अनिल और गौरव और उसके परिवार द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस बात की शिकायत जब उसने यूनिवर्सिटी चौकी में की थी तो उल्टा पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और 151 की धारा में जेल भेज दिया था। अजय ने खुलकर आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी चौकी में तैनात राजन बेरिया नामक सिपाही दूसरे पक्ष की भरपूर मदद करता है और वहां से वो सुविधा शुल्क लेकर प्रताड़ित करता है। अभी हाल ही में दूसरे पक्ष द्वारा एक लड़की को जेल भेजकर उसके ऊपर छेड़खानी और कपड़े फाड़ने का आरोप भी लगाया गया, जबकि जांच में उसे क्लीन चिट दी गई। इसके बावजूद पुलिस ने उसे 151 की धारा लगाकर जेल भेज दिया। पीड़ित अजय ने कहा है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के पास न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अभी एक व्यक्ति मेरे को कार्यालय मिले जिनका नाम अजय कुमार है। इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनके मोहल्ले के रहने वाले दिलीप, गौरव, उनके रिश्तेदार और कुछ महिलाएं इनको पिछले काफ़ी समय से, कई साल से परेशान कर रहे हैं और इनके साथ मारपीट कर चुके हैं, दुर्व्यवहार कर चुके हैं और इनके ऊपर कुछ महिलाएं ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव भी बना रहे हैं। इस संबंध में इनके जो पूर्व के प्रार्थना पत्र हैं वो उन्होंने दिए हैं। जो प्रार्थना पत्र आज दिया है वो प्रार्थना पत्र फरवरी 2021 का डेटेड है। 15 अगस्त की रात रामलीला मैदान के पास स्थित शमशान घाट का वीडियो एक वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला पूर्वी कड़ी में लगने वाले श्री रामलीला मैदान
के पास स्थित शमशान घाट की दीवार पर चढ़े बाघ के दहाड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वीडियो 15 अगस्त की रात का बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि शमशान घाट के आसपास खेतों में रखवाली कर रहे किसानों ने जब बाघ की दहाड़ सुनी तो वो घबरा गई। उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर शमशान घाट की दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उन्हें दीवार पर एक बाघ दहाड़ता हुआ टहलता हुआ नजर आया। इसके बाद वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। बागनगर के बंडार चौराहा रायचोला और देवस्थान मोहल्ले में देखा गया था। तब लोगों के शोर मचाने पर रामलीला मैदान की तरफ भाग निकला। नागरिकों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है, लेकिन वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। लगातार दो दिन बाद की कस्बे में आबादी के अंदर आवाजाही से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हरदोई के हरपालपुर कटियारी क्षेत्र की गंगा और रामगंगा नदियों के बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। दो दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से बिल्कुल टापू बनकर रह गए हैं। चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरे गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी भी कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। SDM ने बाढ़ प्रभावित चंद्रमपुर गांव का दौरा कर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं निरीक्षण के दौरान SDM स्वाइजपुर नाव पर कुर्सी डालकर बाढ़ का निरीक्षण कर रही थी, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मैडम को धूप न लगे इसके लिए छाते का इंतजाम किया गया था और युवक मैडम के पीछे छाता लगाकर खड़ा था। जहां एक और गाँव वाले बाढ़ से परेशान है तो वहीं मैडम का धूप से बचने के लिए छाता लगाए जाने का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बाढ़ पानी तो बढ़ा है, हर जगह बढ़ा है, कटान भी बढ़ी है, लेकिन जहाँ भी जनता है, जो भी पब्लिक फंसी थी उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया। साथ ही ज़मीन भी चंद्रमपुर में कुछ लोग अपनी जगह होते हुए भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें भी आज शिफ्ट करा दिया गया है सुरक्षित जगहों पे। मैडम जो बाढ़ चौकियों पे हर विभाग से एक कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग से, विकास विभाग से, पशु चिकित्सा विभाग से, चिकित्सा विभाग से, चार लोग हर बाढ़ चौकी पर लगाए गए हैं। सीतापुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना तालगांव इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा रोकने के बाद अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। अभियुक्त पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। थाना तालगांव के अंतर्गत सलीमपुर गांव के पास में ये नहर के पास की जो पटरी है, इसमें आज पुलिस के साथ में एक अपराधी की मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम के द्वारा यहां पर लगातार जो चोरी और नकबजनी घटनाएं हो रही थी उसको लेकर चेकिंग लगाई गई थी। एक अपराधी, इसको जब यहां पर देखा गया तो इसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से जब की गई तो उसमें इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल अवस्था में इसको CSC रवाना किया गया है, जहाँ पर इसका इलाज किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए हैं। मां बेटी की हादसे में मौत हुई है, वहीं परिवार के 6 लोग घायल हैं। घायलों में की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को साझापुर रेफर किया गया। सुबह बच्चों का लंच बनाते समय हादसा हुआ। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान की छत गिर गई, छत के मलबे में दबकर माँ बेटी की मौत हो गई। पसगवा कोतवाली क्षेत्र के जग बहादुरगंज कस्बे की पूरी घटना बताई जा रही है। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। सीतापुर जनपद में तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो संचालित हो रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पर हकीकत तो ये है कि वो डॉक्टर कभी अस्पताल में आते ही नहीं। इसी का खामियाजा भोले भाले मरीजों को भुगतना पड़ता है। यहाँ सब स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से चल रहा है। लखनऊ राजधानी के प्रसिद्ध डॉक्टर के नाम लिखकर मरीजों को गुमराह करके ऑपरेशन कर दिया जाता है। शहर के प्रेमनगर स्थित जनसेवा अस्पताल में हाल ही में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। वहीं गंभीर हालत भी बनी हुई है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनको अस्पताल संचालक मामलों पर पर्दा डालने का काम करते रहे हैं। वहीं इसका साथ स्वास्थ्य विभाग देने का काम करता है। सूत्रों की माने तो गुलाबी नोटों के आगे नतमस्तक स्वास्थ्य विभाग प्रसूता पर कोई गौर नहीं फरमाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में अपराध का माहौल बन गया। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मामला देर रात का था, इसलिए अस्पताल संचालक ने पूरा मामला दबाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन मामले पर से पर्दा उठाने के प्रयास किया गया, जिसमें मृतक पूजा के गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात की गई तो उन्होंने अपनी हकीकत बयां की। आखिर स्वास्थ्य विभाग कब कार्रवाई करेगा, ये बड़ा सवाल है। कासगंज की पुलिस लाइन में शुक्रवार के साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर परेड का मान प्रणाम स्वीकार कर परेड का टोली वार निरीक्षण किया गया और जवानों को शस्त्रों का अभ्यास भी कराया गया। वहीं इसी दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों का निरीक्षण किया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इसके बाद क्वार्टर गार्ड डायल 112 और परिवहन शाखा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान इवेंट पुस्तिका, हिस्ट्री बुक,
लॉग बुक आदि संबंधित अभिलेखों को बारीकी से चेक किया गया। वाहनों की साफ सफाई का भी निरीक्षण कर संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया और मेस का निरीक्षण किया गया। मेस की गुणवत्ता का जायजा लिया। मेस की स्वच्छता गुणवत्ता को देखकर संतुष्टि व्यक्त की। वहीं मेस में काम कर रहे सभी अनुचरों का उत्साहवर्धन किया गया। इसके बाद कार्यालयों के अभिलेख को अपडेट रखने, पुलिस लाइन परिसर, कर्मचारी बैरकों की साफ सफाई के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रायबरेली के गुल्लूपुर ग्राम सभा के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन लोगों का आरोप था कि बिना गांव वालों की जानकारी के ग्राम सभा में चकबंदी कराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर चकबंदी करनी है तो सभी ग्रामीणों को अवगत करा दें, एक खुली बैठक हो जाए, एक स्वर में जो भी निर्णय लिए जाए उस पर जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। बिना हम लोगों की सहमति के इस चकबंदी को हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और बताएंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा गुप्त तरीके से चकबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी न किसी के दबाव में ऐसा करवाया जा रहा है। विशेष सूत्रों से मालूम हुआ कि गुप्त मीटिंग होनी है। लेखपाल कल वहाँ से कोई चपरासी आया था चकबंदी विभाग से, उसने बताया 17 तारीख को मीटिंग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पब्लिक को बुला लिया जाए, खुली बैठक हो जाए, 8 दिन का 10 दिन का जितना समय मिले मुस्तैदी करवा के गांव की जनता को अवगत करा दिया जाए कि लोग चकबंदी चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते तो न हो। अलीगढ़ में बाबूजी कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के लिए नुमाइश मैदान में तैयारी शुरू की गई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अलीगढ़ आएंगे। 21 अलीगढ़ में प्रस्तावित है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का कार्यक्रम। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए गृहमंत्री अमित शाह, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान स्थित कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हेलीपैड और कार्यक्रम के लिए पंडाल तैयार हो रहा है। नुमाइश मैदान में नगर निगम की टीम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। झांसी में डॉक्टर मधुरिमा क्लिनिक सीपरी बाजार के तत्वाधान में शिशु विहार निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और वहां के कर्मचारियों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। महानगर के सुप्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजी और डेंटल सर्जन डॉक्टर मधुरिमा नायक ने शिशु विहार में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन कर नन्हे-मुन्हे बच्चों और उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों का परीक्षण किया। इस दौरान कुछ बच्चों और कर्मचारियों को जरूरत के मुताबिक आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। मधुरिमा ने सभी को अपने दांतों की सही से देखभाल करने और दिन में 2 बार दांतों को साफ करने की सलाह दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुरिमा नायक झांसी से, डेंटल सर्जन एवं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैंने शिशु विहार अनाथ आश्रम में एक डेंटल कैंप किया हुआ है, जिसमें हमने बच्चों का डेंटल चेकअप किया है, उनको कुछ मेडिसिन भी हमने दी है और उनके लिए हमने ये भी किया है कि अगर वो हमारे क्लिनिक पर आते हैं बच्चे तो उनका हम सारा फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। आज हमने ये कैंप किया हुआ है। बहराइच में अब वो धुन दूर नहीं जो बहराइच का नाम भी मुंबई के हर कलाकार की जुबान पर होगा। बहराइच मेट्रो म्यूजिक के डायरेक्टर सोनी श्रीवास्तव को जी सलाम और 9XM पर टीवी रियलिटी शो द सिंगिंग आइकन में मशहूर गायक सलमान अली के जज बनकर बहराइच का नाम रोशन किया। उनके बहराइच आगमन पर बहराइच के लोगों ने ढोल के साथ जबरदस्त स्वागत किया। सोनी श्रीवास्तव ने बताया कि बहराइच से कई लोगों ने प्रतिभाग लिया, जिसमें नेहा तिवारी टॉप 15 में चुनी गई हैं। मैं गांव गांव तक में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का हर संभव प्रयास करूंगी। जिलाधिकारी मोनिका रानी से मुलाकात कर उन्होंने सोनी श्रीवास्तव के कार्यों की सराहना की और बधाई दी। साथ ही कस्तूरबा विद्यालय में भी प्रशिक्षण की बात की। इस मौके पर अनुज श्रीवास्तव, आशीष बन्ना, समीर सरदार, चरणजीत कौर तमाम लोग उपस्थित नजर आए। गुजरात कच्छ के जाखो के पिंगलेश्वर इलाके में चरस और विस्फोट सेल जैसा पदार्थ मिला है। स्टेट आईबी, एनआईयू और जाखो पुलिस को गश्त के दौरान 10 चरस के पैकेट मिले। स्टेट आईबी और एनआईयू को संयुक्त ऑपरेशन में एक विस्फोटक सामग्री मिली है। फिलहाल एजेंसी समुद्री इलाके में आगे की जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।